वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ये लेक्चर सीरीज़ इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज के लिए होता है, इसका ये बेसिक लेक्चर है जिससे आपको समझ में आएगा इस लेक्चर के बाद कि कैसे इकोनॉमी में इंटीग्रेशन होता है डिफरेंट सेक्टर्स का। इस लेक्चर के बाद आप समझ सकेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, वो आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं। इसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर का लिंकेज क्या है, क्यों वो लोग इम्पॉर्टेंट हैं और कहाँ से क्या चीज़ें जो हैं वो सरकार जिस तरह मैनेज करती है इकोनॉमी को वो कैसे दिखा दिया जाता है। तो एक सिंपल ग्राफ, और वी कैन से ग्राफ नहीं तो एक सिंपल फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसको समझेंगे। इसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने के बाद आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट होता है यूपीएससी एग्जामिनेशन में, तो उसको आपकी समझ इससे ज़्यादा बढ़ सकेगी। तो आइए शुरू करते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जैसा कि इसका नाम है सर्कुलर फ्लो, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसकी कोई बिगनिंग नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्टर बनाएंगे हाउस होल्ड सेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड कौन होते हैं? जो हम जैसे लोग, जो फैमिलीज मान लेते हैं हाउस होल्ड को, और फर्म्स आपको पता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती हैं उन्हें हम फर्म्स कहते हैं। तो सिंपल सेंस में हम सबसे पहले इनका रिलेशन देखेंगे कि फर्म्स और हाउस होल्ड्स का क्या रिलेशन होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम दूसरे सेक्टर्स को भी इंक्लूड करते जाएंगे। एरोस का यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सर्कुलर फ्लो है, इसका कोई बिगनिंग कोई एंड नहीं है। तो एरोस जो भी आप बनाएं वो एक ही दिशा में होने चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हाउस होल्ड और फर्म्स में क्या रिलेशन है। फर्म्स हाउस होल्ड्स को क्या प्रोवाइड कराती हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो फर्म्स और हाउस होल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज, तो जो गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो फर्म्स हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवाती हैं। जब ये हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करवाती हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर ये फर्म कोई स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर रही है, तो स्मार्टफोन जो हाउस होल्ड्स को देंगे तो ये गुड्स हो जाएगा। उसके अलावा अगर सर्विसेज देखा जाए तो एजुकेशनल सर्विसेज है, तो बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वो सब एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो भी फर्म्स हैं हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये सर्विसेज आप अवेल करते हैं, अगर कोई आप स्मार्टफोन खरीदते हैं या कोई गुड्स खरीदते हैं, तो उसके बदले में आप फर्म्स को क्या देते हैं, तो उसको कहते हैं हम पेमेंट्स। सो पेमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी आपने गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है या सर्विसेज अवेल की है, तो उसके लिए जो भी आप पेमेंट देंगे वो फर्म्स को पास जाएगी। इसके अलावा देखा जाए कि हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देते हैं, तो हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं फैक्टर सर्विसेज। लाइक जैसे कि अगर हाउस होल्ड को फर्म्स को देना है कोई भी चीज़, जैसे कि हाउस होल्ड लेबर प्रोवाइड करते हैं, तो लेबर सर्विसेज है, सपोज स्मार्टफोन अपना एग्जांपल है, तो स्मार्टफोन के एग्जांपल में जो भी फर्म्स हैं वो स्मार्टफोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसमें जो लेबर लग रहा है वो हाउस होल्ड ही प्रोवाइड करते हैं। अभी फैक्टर सर्विसेज जो हाउस होल्ड फर्म्स को देते हैं, उसके बदले फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग फैक्टर पेमेंट। सो फैक्टर पेमेंट्स उनको मिलती हैं, जैसे कि वेजेस हो गई, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप से बहुत अलग अलग तरह के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सिंपल सेंस में मतलब ये है कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं उनको फैक्टर्स कहते हैं, जैसे कि लेबर, कैपिटल, लैंड एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। तो ये जब आप कोई लेबर सर्विसेज देंगे तो उसके बदले में फर्म्स आपको वेजेस देंगी। तो इस तरह से अगर हाउस होल्ड ने किसी फर्म को लैंड एरिया दिया है फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए, तो उसके बदले वो आपको रेंट देंगी। तो इस तरह से रिलेशन है हाउस होल्ड और फर्म्स का। अब हम एक नया सेक्टर इंक्लूड करते हैं जो कि होता है फाइनेंशियल सेक्टर, जिसे हम बैंक के नाम से जनरली जानते हैं। अब इनका और फर्म्स का क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे, और इनका और हाउस होल्ड का क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। अब फाइनेंशियल सेक्टर का हाउस होल्ड के साथ रिलेशन देखते हैं। हाउस होल्ड क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं सैलरी का, वो बैंक में जमा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सेविंग्स। हाउस होल्ड को अब लोन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हाउस खरीदना है तो हाउसिंग लोन की ज़रूरत है, गाड़ी खरीदनी है तो ऑटोमोबाइल लोन की ज़रूरत है, तो हाउस होल्ड बोरो भी करते हैं मनी।
तो बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल सेक्टर। फर्म्स क्या करती हैं, फर्म्स ऑल्सो सेव करती हैं, तो वो भी सेव करती हैं, तो सेविंग होती है, फर्म्स भी सेव करती है क्योंकि उनका जो प्रॉफिट रहता है उसमें से वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं अगले साल, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं जैसे मार्केटिंग में या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में। उसके अलावा जो भी सेविंग होती है फर्म्स की, वो लोग फाइनेंशियल सेक्टर या बैंक में रखते हैं। उसके अलावा फर्म्स को भी लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो फर्म्स ऑल्सो बोरो, तो फर्म्स भी बोरो करती है मनी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है तो लोन लेना पड़ेगा और वो फाइनेंशियल सेक्टर से ही मिलेगा। अब इसमें हम एक और सेक्टर इंक्लूड करते हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। सबसे पहले हम देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिलेशन है। अब गवर्नमेंट और फाइनेंशियल सेक्टर मतलब बैंक्स जनरली आप समझ लें, तो गवर्नमेंट भी सेव करती है पैसा, तो जो सेविंग्स होती है गवर्नमेंट की वो भी फाइनेंशियल सेक्टर में जाती है, क्योंकि सरकार के पास जो भी पैसा आता है वो इकट्ठा आता है टैक्स के रूप में मान लीजिए, तो वो इकट्ठा पैसा कहाँ रखेगी अपने साथ, तो कहीं ट्रेजरी है नहीं इस टाइप का जैसे पहले के ज़माने में होता था, तो वो भी पैसा बैंक में ही रखते हैं। उसके बाद सरकार भी बैंक से बोरो करती है मनी। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है ईरान, आपने सुना होगा एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में। तो 2014 में क्या हुआ था, जब ईरान से इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, कच्चा तेल जो पेट्रोलियम बनता है जिससे, तो वो कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहा था क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं। तो 2014 में क्या हुआ था, ईरान पे सेंक्शन लगा दिए थे अमेरिका ने, तो अमेरिका ने कहा कि आप ईरान से पेट्रोल खरीद सकते हैं, वो मना ही नहीं है, बट उसके लिए आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर सकते। अब आपको पता है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है वो डॉलर्स में ही होते हैं क्योंकि वो हार्ड करेंसी है, एक्सेप्टेबल करेंसी होती है हार्ड करेंसी। तो उसका सिंपल सा मतलब था कि 2014 में US ने मना कर दिया कि आप डॉलर में पे नहीं कर सकते, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है हम डॉलर में पे नहीं करेंगे, हम यूरो में पे कर देंगे। तो यूरोपियन यूनियन ने भी मना कर दिया कि नहीं आप पूरा पैसा यूरो में पे नहीं कर सकते, 55% ही आप यूरो में पे कर सकते हैं, तो 45% बचा इंडिया ने डिसाइड किया कि हम रुपये में पे करेंगे। तो इसलिए सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोरो किया यूको बैंक से। तो जब ये पैसा बोरो किया तो वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट का बोरो करने का। अब सबसे बड़ा सेक्टर यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट और फर्म्स का होता है, इनका क्या रिलेशन होता है। अब गवर्नमेंट और फर्म्स का रिलेशन, फर्म्स गवर्नमेंट को क्या देती हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे सरकार चलती है, टैक्सेस। अब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट देगी या इनडायरेक्ट, तो ये फर्म्स दोनों टैक्स देती हैं क्योंकि कॉरपोरेट इनकम टैक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये दोनों प्रोवाइड करती हैं। अब गवर्नमेंट इन रिटर्न फर्म्स को क्या देती है, तो सिंपल सेंस में अपन कहते हैं कि सब्सिडीज इज द बेस्ट एग्जांपल। तो गवर्नमेंट फर्म्स को सब्सिडीज देती है, जैसे कोई स्टार्टअप है तो उसको 3 साल टैक्स की छूट है तो वो सब्सिडी है, अगर कोई MSME है छोटी इंडस्ट्री है उसको प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए सरकार ने कुछ सब्सिडी दी है, कुछ पैसा दिया है, तो वो भी एक सब्सिडी के मामले में आता है। अब देखेंगे गवर्नमेंट और हाउस होल्ड्स में क्या रिलेशन है। तो हाउस होल्ड्स गवर्नमेंट को क्या देते हैं, ये भी सेम टैक्सेस देते हैं, पर ये सिर्फ डायरेक्ट टैक्स देते हैं। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो होते हैं जो डायरेक्टली इंडिविजुअल्स पे लगाए जाते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड्स पे लगाए हुए तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, और भी कई तरह के टैक्स है। तो ये सारे टैक्स सिर्फ डायरेक्ट टैक्स हाउस होल्ड्स सरकार को देते हैं। सरकार इन रिटर्न हाउस होल्ड्स को क्या देती है, वो देती है सब्सिडीज प्लस ट्रांसफर पेमेंट। अब सब्सिडीज तो आप यहाँ समझ गए कि क्या होता है, पर ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। ट्रांसफर पेमेंट का सिंपल सा मतलब है जैसे कोई इंडिविजुअल है सरकार में काम करा 60 साल के बाद रिटायर हो गया, तो उसके लिए सरकार उसके जो पेंशन देगी, अब वो पेंशन में सरकार ट्रांसफर पेमेंट है उसका मतलब वो अनकंडीशनल ट्रांसफर है, क्योंकि जो ट्रांसफर पेमेंट होती है उसमें सरकार बदले में कुछ सर्विसेज नहीं डिमांड कर रही होती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जो बेरोजगारी भत्ता जैसे अपन कहते हैं जो फॉरेन कंट्रीज में दिया जाता है, अगर आप बेरोजगार हैं आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो सरकार आपको पैसा देती है। तो ऐसे ही कंसेप्ट इंडिया में भी लास्ट टू लास्ट ईयर्स इकोनॉमिक सर्वे में बताया था UBI का यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो उस वो भी उससे रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट जो होती है वो सरकार की अनकंडीशनल होती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और पेंशन ये ट्रांसफर पेमेंट होती है। उसके अलावा सब्सिडीज आप पहले से ही समझ गए। अब इसमें हम एक सेक्टर और जोड़ते हैं जो कि होता है फॉरेन सेक्टर, और कई बुक्स में आप पाएंगे कि एक्सटर्नल सेक्टर भी कहते हैं। तो इसका फर्म्स के साथ क्या रिलेशन है और हाउस होल्ड्स के साथ क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पर।
तो फर्म्स के साथ रिलेशन सिंपल है, फर्म्स और फॉरेन सेक्टर, तो जो भी फॉरेन सेक्टर से फर्म्स कर रही हैं वो इंडिया की हैं, तो इसलिए उसको अपन इंपोर्ट कहेंगे, और जो भी बाहर जा रहा है उसको अपन एक्सपोर्ट कहते हैं। सो आयात और निर्यात, दैट इज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट करेंगे कोई भी फर्म से, तो फर्म अगर फॉरेन सेक्टर से ले रही हैं तो वो इंपोर्ट करती हैं चीज़ें, बाहर भेज रही हैं तो एक्सपोर्ट होता है। अब क्वेश्चन आता है कि हाउस होल्ड्स को फॉरेन सेक्टर से क्या मिलता है, तो एक टर्म होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या होता है कि जो जैसे आपके यहाँ का कोई या आपके रिश्तेदार कोई भी बाहर काम कर रहा है, बाहर मतलब अब्रॉड अमेरिका में काम कर रहा है मान लीजिए, वो अमेरिका से अगर पैसा भेजते हैं, मान लीजिए $100 भेजा है उन्होंने यहाँ पे, तो $100 जो भी आपके पास आया है वो इनकम हो गई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्योंकि फैक्टर इनकम क्यों, क्योंकि वो नौकरी कर रहे हैं तो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उनकी जो इनकम हुई है उससे उनको इंडिया में भेजा है, तो उसको अपन रेमिटांसेस भी कहते हैं, जो इनफ्लो होता है। तो नेट क्यों है, क्योंकि जो कोई अमेरिकन इंडिया में रह रहा होगा वो भी ऐसे ही कर रहा होगा, अमेरिका पैसा भेज रहा होगा, तो कुछ पैसा जाता है कुछ आता है, तो उसमें इंडिया इसमें नंबर वन कंट्री है फॉरन रेमिटांसेस रिसीव करने में, अपने $77 बिलियन पर ईयर से ज़्यादा की रिसीविंग है, और सेकंड चाइना है, थर्ड फिलीपींस है इसमें। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो रिसीव करते हैं हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर से। अब फॉरेन सेक्टर को हाउस होल्ड क्या देते हैं, सिंपल चीज़ देते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक लेक्चर ले रहा हूँ जो यूनाइटेड स्टेट्स में लाइव जा रहा है, तो मेरी जो एजुकेशनल सर्विसेज हैं वो फॉरेन में लाइव जा रही हैं, तो उसका क्या मतलब है, मैं अपनी एजुकेशनल सर्विसेज ह्यूमन कैपिटल है वो मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे फैक्टर इनकम मिलेगी। तो ये सिंपल सा फ्लो चार्ट है, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप इसको पेन एंड पेपर लेके कॉपी पे बनाएं, जिससे कि आपकी समझ इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इंटीग्रेशन है इकोनॉमी का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और यूट्यूब पे इकोलिक्स को सब्सक्राइब करिए ना भूलिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई नई भी डाउट है, कोई सजेशन है, या कोई दूसरा टॉपिक आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल ऐप है जिसपे हमारे फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के, UGC नेट इकोनॉमिक्स के, और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये सब के फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं बहुत नॉमिनल चार्जेस पे, तो उसको आप देख सकते हैं। उसके लिए ecolix.in वेबसाइट है जहाँ आप विजिट करके उनको देख सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है, तो टेस्ट सीरीज़ टोटली फ्री है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।